अस्सलाम वालेकुम, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो तनख्वाहों के निज़ाम और पेंशन स्कीम के हवाले से एक अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 नवंबर 2020 को वज़ीर आज़म ने नरगस सिटी को चेयरमैन पर्सन तैनात किया था पे एंड पेंशन कमीशन का। तो अब उस हवाले से खबर आ रही है कि चेयरपर्सन जो पे एंड पेंशन कमीशन नरगस सेठी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और इस हवाले से आइंदा जो वफाकी काबीना का इजलास था जिसमें ये डिस्कशन होने जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही नरगस सेठी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। वफाकी हुकूमत कमीशन की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है और पे एंड पेंशन कमीशन की कारकर्दगी को वफाकी काबीना के आइंदा इजलास के एजेंडे में शामिल किए जाने का इम्कान है। वाज़ेह है कि पे एंड पेंशन कमीशन के जुम्मे पूरे पे सिस्टम, तनख्वाहों के निज़ाम और पेंशन स्कीम में बेहतरी ओवरहॉलिंग का काम लाना शामिल था। कमीशन की जो मुस्तफ़ी होने वाली चेयरपर्सन नरगस सेठी रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरी हैं। अब जैसे ही वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में पे एंड पेंशन कमीशन के मामले को उठाए जाने का इम्कान था तो उससे पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया गया है। अब देखे हैं इस हवाले से क्या वफाकी काबीना में फ़ैसला होता है। ये थी तफसीलात सरकारी मुलाजमीन के हवाले से अहम खबर, जिसमें बहुत बड़े फ़ैसले होने थे पे एंड पेंशन कमीशन के हवाले से। तो उस हवाले से अपडेट आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी।